ओके सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। एंड यहाँ पर आज के इस वीडियो में काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेल एज यू नो यहाँ पर सैमसंग का A52 का 5G वेरिएंट आ रहा है जो कि A50s 5G के नाम से आने वाला है। एंड ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पर रिसेंटली इसके प्राइस रिवील किए गए हैं कि किस प्राइस पॉइंट पर सैमसंग इसको रिलीज़ करने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले एक इंट्रो देख लो जो कि सैमसंग ने ट्विटर पर पोस्ट करा था, जहाँ पर कि बताया था कि A52s आने वाला है। Why does my phone fall apart after 1 year? Why must we worry about our data being safe? Why does my phone have a great camera, but not enough storage to keep the photos? Until one day, Galaxy A said to everyone, awesome is for everyone. By the way, ये स्मार्टफोन आने वाला है और इसके जो स्पेक्स है वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगे। वेल डिज़ाइन के मामले में अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली सेम है डिज़ाइन, मतलब हमारे A52 जैसा सेम है, कोई डिफरेंस हमें वहाँ देखने को नहीं मिलता है, सिवाय एक चीज़ के जो कि है डिस्प्ले। यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है सैमसंग के गैलेक्सी A52 के अंदर। हालांकि जो A52s होने वाला है जो बेसिकली 5G रहेगा, वहाँ पर हमें जो है 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड, जहाँ पर कि उसकी पीक ब्राइटनेस जो है 800 निट्स कर दी गई है, जहाँ पर कि पुराने वाले वेरियंट की यानी कि A52 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आई थिंक 600 to 700 के करीब उसकी पीक ब्राइटनेस है। आई डोंट नो, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, बट यही इसी के अराउंड है, बट इसकी थोड़ी सी बढ़ा के करी गई है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A52s होने वाला है, यहाँ पर इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो भी डिफरेंट है। वो है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G। यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है ये 5G है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग A52, जहाँ पर कि 720G या आई थिंक यही कुछ प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 732 कुछ यही है, मेरे को स्टिल कन्फर्म नहीं है, बट इसी तरीके का कोई प्रोसेसर। बट इसके कंपैरिजन में A52s का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कुछ कुछ चीज़ों में ये जो प्रोसेसर है A52s वाला, ये फ्लैगशिप प्रोसेसर्स को भी बीट कर देता है, पुराने फ्लैगशिप प्रोसेसर्स को। और यहाँ पर एक चीज़ और इंप्रूव की गई है A52 के कंपैरिजन में। बताया जा रहा है कि यहाँ पर A52s के अंदर जो फिंगरप्रिंट होगा वो एक जनरेशन अप होगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ काफ़ी बड़े हो जाता है। मतलब ऑलरेडी A52 का जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने उसको पर्सनली यूज़ किया है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। एंड A51 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि A51 जो है वो बहुत ही मतलब कई बार रिकगनाइज नहीं कर पाता प्रॉपरली, बट A52 का जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही अमेजिंग काम करता है। एंड यहाँ पर एक जनरेशन और ऊपर हो जाएगा तो जो A52s होने वाला है उसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा वो और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको काम करता हुआ नज़र आएगा। बाकी IP67 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है एंड सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। यहाँ पर भी हमें 15 वाट का ही चार्जर देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर, जो कि बताया जा रहा है। यहाँ पर 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट होगी, बट 15 वॉट का हमें चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए प्राइसिंग के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया, डिस्प्ले का है और प्रोसेसर का है। इसके अलावा छोटे मोटे जो डिफरेंस होंगे वो डिटेल वीडियो में हम कवर कर लेंगे, बट आज की इस वीडियो में प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो प्राइस की जो मामला है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जो इसका 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट होगा A52s का, वो स्टार्ट होता है $485 के करीब, जो कि इंडिया के अराउंड 36,000 रुपीज़ होते हैं। एंड यहाँ पर जो 8GB रैम वाला वेरिएंट है, जहाँ पर भी हमें 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वो होता है स्टार्ट $505 से, जो कि इंडिया के 37,500 होते हैं, यानी कि अराउंड 1500 रुपये बढ़ गए। और 1500 रुपये में आपको जो है यहाँ पर 4GB की जो रैम है वो एक्स्ट्रा देखने को मिली, जो कि मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है अगर रैम के कंपेरिजन में देखा जाए। बाकी इस डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि शुरुआत के टाइम के लिए सैमसंग काफ़ी अच्छा ऑफर देगा अपने जो यूज़र्स होंगे, तो अगर वो परचेस करना चाहते हैं शुरुआत में उन्हें 2-3 हज़ार का शायद से ऑफ़र मिल जाए, तो ये आपको 32-33 हज़ार का शायद स्टार्टिंग पड़े और 35 हज़ार का 8GB रैम वाला मिले आपको। बट स्टिल मैं कहूँगा अगर 30 हज़ार के अराउंड होता ना ये स्मार्टफोन, या 30 हज़ार से स्टार्टिंग होता 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता, स्टिल अब भी है। एंड यहाँ पर आप बताओ आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगी, आपको अगर ऑप्शन मिले, आपको अगर चूज़ करना हो A52 या A52s, या इन दोनों में से आप कौन सा चूज़ करोगे। पर्सनली मेरे को A52s ज़्यादा बेटर लगेगा, बट वहाँ पर उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी सही होनी चाहिए थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 10,000 से भी ऊपर का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि जो 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है वो 22,500 का मार्केट में अवेलेबल है, और क्या पता इस डिवाइस के आने के बाद में और इसकी प्राइस जो है कम हो जाए।
तो अगर आपको 5G मैटर नहीं करता तो मेरे ख्याल से A52 स्टिल इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, तो आप उसके लिए जा सकते हो सिवाय 5G के। और दूसरी चीज़, परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, ये दो चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ सारी चीज़ें सेम हैं। तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड यही था आज के इस वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, एंड इंटरेस्टिंग लगती तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।